हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंतिशा रुबा। आज हम लोग 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, हमने आप लोगों को पीछे वाले उसमें पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमने आप लोग को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था कि वो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक फैली होती है और उसी से हम लोगों का पूरा डाइजेशन होता है। तो आप लोगों ने वो वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा। अब हम आप लोगों को उसी एलिमेंट्री कैनाल को डीपली पढ़ाएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गन उसके अंदर आते हैं और उन सारे ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले जान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल क्या होती है। तो ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से शुरू होता है और माउथ से लेके एनस तक जाता है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो रास्ता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है ऊपर डेफिनेशन, इट इज़ लॉन्ग अबाउट 7 to 8 meter ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे माउथ से लेके एनस तक का एरिया है वो लगभग 7 to 8 meter लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये इसी पूरे 8 meter में सारे ऑर्गन्स आते हैं और ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो 5 उसमें स्टेप्स में कम्प्लीट होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। तो इस तरह आप लोगों का डाइजेशन की प्रोसेस कम्प्लीट होती है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। देखिए, पहला आप लोगों का पहला ऑर्गन है माउथ, मतलब जब जहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है तो वो आप लोगों की माउथ से शुरू होती है, तो इसलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे माउथ। तो माउथ जो होता है वो आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है और इसमें जो है सबसे पहले फूड इंटर करता है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले डाइजेशन जो होता है फूड का वो माउथ में शुरू हो जाता है। तो अब माउथ में देखिए, माउथ में आप लोगों का मेन जो है डाइजेशन के लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टंग और दूसरा होता है टीथ। टंग मतलब होता है जबान और जबान जो होती है वो हमारे बक्कल कैविटी में मुख गुहा में एक मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जो फ्लोर पर होती है और इसका काम होता है ये फूड को उसके टेस्ट को उसके ऊपर छोटी छोटी टेस्ट बड्स होती हैं जबान के ऊपर, तो उन टेस्ट बड्स से फूड के टेस्ट को पहचानना, खाने को मिक्स करना, उसमें सलाइवा मतलब लार को मिक्स करना और बोलना, हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। तो ये सारे काम जो होते हैं वो टंग के होते हैं, मतलब जबान जो होती है वो आप लोगों का ये काम करती है। उसके बाद दूसरा आप लोगों का पार्ट आता है टीथ या दांत, ये भी आप लोगों के माउथ के अंदर होता है। आप सबको पता है कि टीथ जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसका काम होता है जब आप लोग खाना पेट में मुंह में डालते हैं तो टीथ क्या करते हैं, उन सारे खाने के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और चबा के उसको एकदम महीन कर देते हैं, जिससे खाना जो है वो आसान हो जाए, सिंपल हो जाए और डाइजेशन उसका हो सके। इसीलिए देखिए इसमें दिया भी गया है ग्राइंडिंग, कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड, मतलब ये तीनों फंक्शन जो है वो टीथ के होते हैं। तो हमारा टीथ जो है उसका काम है वो ग्राइंडिंग करता है, मिक्स करता है, कटिंग काटता है, च्यूइंग चबाता है खाने को, ताकि खाना आप लोगों का आसान हो जाए, ईजी हो जाए और डाइजेशन जो है वो आप लोग का ईजी हो जाए। अब देखिए, आप लोगों की बुक में एक टॉपिक नहीं दिया गया है तो ने उसको लिख दिया है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब टीथ के प्रकार, दांत के प्रकार। तो ह्यूमन में 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर जो होते हैं वो आप लोग के बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं और इसका काम होता है कटिंग, कुतरना। उसके बाद जो दोनों तरफ नुकीले दांत होते हैं उनको हम लोग कैनाइंस कहते हैं, इनका काम होता है चीरना या फाड़ना। उसके बाद पीछे की तरफ जो चौड़ा वाले दांत होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये चौड़े होते हैं और ये पीछे की तरफ होते हैं, इनका काम होता है चबाना। तो इस तरह आप लोगों के दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और ये इसका आप लोगों का फंक्शन है। तो ये आप लोगों का हो गया टीथ। अब देखिए, टीथ से रिलेटेड एक और टॉपिक है। सबसे पहले ये देखिए, आप लोगों की बुक में दिया नहीं गया है तो हमने इसको बना दिया है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला इसको ध्यान से समझिए कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। डेंटल फार्मूला मतलब होता है दंत सूत्र। तो सबको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके के दांत होते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो दूध के दांत निकलते हैं, मिल्क टीथ, और उसके बाद जब वो टूटते हैं तो परमानेंट टीथ निकलते हैं। इसीलिए हम लोग डाइफायोडेंट कहलाते हैं, मतलब द्विबार दंती, मतलब पूरे हमारी लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, डाइफायोडेंट। तो पहला दांत जब निकलता है तो उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, दोबारा जब दांत निकलता है तो परमानेंट टीथ होते हैं। तो इन दोनों दांत के अलग अलग फार्मूला है और उसी फार्मूले से हमारे मुंह में दांत जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिल्क टीथ का फार्मूला, ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसको समझाते हैं। देखिए, हमने पीछे आप लोग को बता ही दिया है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरीके के दांत होते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनमें अरेंजमेंट देखिए, इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं,
ऊपर वाले जबड़े में एक तरफ, फिर दो होते हैं नीचे की तरफ, फिर उसके बाद कैनाइन जो होते हैं वो एक इधर तरफ और एक नीचे की तरफ। प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं छोटे बच्चों में, और मोलर जो होते हैं वो दो एक तरफ पाए जाते हैं, दो नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। अब सबको जोड़ लीजिए, टू दो और एक वन हो जाएगा तीन, और दो चार पाँच, तो दो एक तीन दो पाँच, पाँच हो गया, और फिर उसके बाद नीचे भी पाँच हो गया, तो 5/5 हो गया ऊपर और नीचे, ठीक है। अब उसके बाद 5/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप एक तरफ का हिस्सा लिए थे, दूसरी तरफ का हिस्सा लेंगे जबड़े का, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 × 10 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 × 10 हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली नहीं करना है, ठीक है। ऊपर ये अपॉन हमने जो लगाया ये अपर और लोअर जॉ के लिए लगाया है, तो 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, तो 10 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया, 10 जोड़ लीजिए तो 20 हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में कितने दांत हुए? 20 दांत हुए। अब इसी तरह हम आप लोगों को परमानेंट टीथ का पढ़ाएंगे। हम लोगों में, बड़े लोगों में परमानेंट टीथ जो होते हैं उसका अरेंजमेंट देखिए, इंसीजर जो होते हैं दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ एक साइड, उसके बाद कैनाइन एक 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 साइड, एक ऊपर एक नीचे, प्रीमोलर दो ऊपर दो नीचे एक साइड, उसके बाद मोलर्स भी तीन ऊपर तीन नीचे एक साइड। अब सबको जोड़ लीजिए, दो एक तीन दो पाँच और तीन आठ, तो 8/8 हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हम लोगों को लेना है, तो 8 × 16, 8 × 16, ठीक है। अब 16 × 16 = 32, तो मतलब 32 दांत होते हैं। तो ये आप लोगों का डेंटल फार्मूला हो गया। तो मिल्क टीथ जो होते हैं छोटे बच्चों में, उनका डेंटल फार्मूला इस तरह आप लोग को बोर्ड में लिखना है, 20 दांत होते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं मतलब एडल्ट होते हैं, उनमें परमानेंट टीथ जो पाया जाता है वो आप लोगों का इस तरह 32 दांत होता है। अगला टॉपिक, डेंटल कैरीज या टूथ डीके, मतलब दांतों में जो सड़न पाई जाती है उसको हम लोग टूथ डीके कहते हैं, या डेंटल प्लेग भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये आप लोगों का डेंटल प्लेग देखिए कैसे होता है, जब दांत में बीच में कहीं भी खाना फंस जाता है, या हम लोग खाना जब खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको सड़न वहाँ पे पैदा शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग कैविटी कहते हैं, और उसी कैविटी से फिर आप लोगों के माउथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसी को हम लोग डेंटल प्लेग कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि दांत से मसूड़ों से खून रिसने लगता है, मुँह से बदबू आने लगती है, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दांत में दर्द होता है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो इसका रीज़न जो होता है वो बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि दांत जो है वो साफ सुथरे रहे। तो ये आप लोगों की बीमारी हो गई डेंटल प्लेग या टूथ डीके, मतलब दांतों में सड़न। तो अब आप लोग का टूथ मतलब टीथ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, दांत कंप्लीट हो गया। अब आप लोग के एलिमेंट्री कैनाल का अगला, अब माउथ से नीचे जाइए, माउथ में आपके टंग और टीथ दो टॉपिक हो गए, अब उसके बाद माउथ के नीचे जाइए तो एलिमेंट्री कैनाल में आप लोगों का अगला पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ, मतलब जहाँ से आप लोग का गला शुरू होता है वहाँ से ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, विंड पाइप इसे आप कह सकते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं, ट्रैकिया में खुलता जाके, तो ये आप लोगों का हिस्सा होता है। यहाँ से आप लोग का खाना आप लोग इसको निगलते हैं, मतलब माउथ में आप टीथ की सहायता से चबाते हैं, उसके बाद फिर इससे निगलते हैं, तो ये फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद अगला हिस्सा है आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल का ओसियोफेगस। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूड पाइप जिसे आप लोग कहते हैं, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये खाने को पेट तक पहुंचाता है, तो लंबा सा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ओसियोफेगस होता है। ओसियोफेगस के बाद अगला आप लोगों का पार्ट आता है स्टोमक। सबको पता है स्टोमक जो है वो डाइजेशन का सबसे मेन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है और ये थैली लाइक, मस्कुलर थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें खाना आके 4 से 5 घंटे रहता है और इसी में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। तो स्टोमक आप लोगों का जो है वो सबसे ज्यादा मेन पार्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद जब खाना पच जाता है पेट में, तो स्टोमक के बाद आप लोग का अगला पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वे बिल्कुल कॉइल्ड होती है, सबको पता है, बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पूरी गुथी हुई होती है और पेट से नीचे जाने पर ये पूरे में फैली रहती है। उसके बाद इसमें जब खाना जाता है तो इसमें छोटी छोटी विलाई पाई जाती है, इसी विलाई से खाना में जो भी मिनरल्स या मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद खून में मिल जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पास हो जाता है आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आप लोग की स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा पार्ट होता है खाने का वो आप लोगों का आता है, और उसमें भी कुछ फूड और वाटर का डाइजेशन हो जाता है। तो ये एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से थोड़ी छोटी होती है, और इसके बाद फिर उसमें कॉइल्ड खाना जो होता है वो आता है, तो ये भी कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है।
उसके बाद बड़ी आंत के बाद आप लोग का हिस्सा आता है एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम। रेक्टम जो है वो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो भी वेस्ट फूड आपका अनडाइजेस्ट फूड है वो आके इकट्ठा होता है रेक्टम में। और उसके बाद रेक्टम में जब आके इकट्ठा हो जाता है तो सबसे लास्ट ओपनिंग जो होती है वो एनस होती है, और एनस जो होती है यहाँ से बॉडी से वेस्ट जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों के ये इतने पार्ट हुए एलिमेंट्री कैनाल के। अब आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है तैयार करना है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, और पूरा माउथ से लेके एनस तक के पूरे पार्ट आप लोग को तैयार करना है। माउथ से स्टार्ट करना है, एनस तक पूरा तैयार करना है, और डेंटल फार्मूला ज़रूर कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये पूरा लिख के फिगर बना लीजिएगा, आगे हम आप लोग को अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू।